हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में इस तरह की न्यू डिजाइन आमला नॉट बैग बनाने का तरीका मैं बताती हूँ। इस बैग क्रॉस कट मेथड में मैं बनाई हूँ। इस बैग बिग साइज आमला नॉट यूज करके मैं बनाई हूँ। इस बैग बनाने के लिए मैं 2 रोल वायर यूज करी हूँ। इस तरह डिजाइन का बैग मैं यूट्यूब में फर्स्ट टाइम अपलोड करी हूँ। इस बैग का बेस नॉर्मल रनिंग वायर मेथड में मैं बनाई हूँ। ये बनाने का बहुत आसान है। ऊपर का क्रॉस कट मेथड में मैं कंप्लीट करी हूँ। रनिंग वायर के बिना इस तरह आमला नट में बनाई हूँ। ये बहुत आसान है। इस बैग के लिए इस तरह स्पाइरल हैंडल डबल कलर का मैं बनाई हूँ। इस हैंडल बनाने का तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ, आप जरूर देख लीजिए। इस बैग लंच बैग साइज में मैं बनाई हूँ। इस बैग का लेंथ 12 इंचेस है, विड्थ 6 इंचेस है, हाइट 11 इंचेस है। इस तरह बैग्स आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर चैट कीजिए। इस तरह अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक वाइस आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर चैट करके ले लीजिए। इस तरह डिजाइन का बैग सेल करने वालों को बहुत यूजफुल है, क्योंकि इस तरह डिजाइन का बैग कम समय में आप बना सकते हैं। आपको एक्सपीरियंस रहा तो इस तरह बैग एक दिन में एक बैग भी आप बना सकते हैं। इस तरह न्यू डिजाइन का प्लास्टिक वायर बैग्स का ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबाइए। इस वीडियो आपको यूजफुल रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब चलिए लंच बैग का बिग साइज आमला नट बैग बनाने का तरीका मैं बताती हूँ। इस बैग बनाने के लिए ऑरेंज कलर का 2 रोल भी, ब्लू कलर का 1 रोल भी ले लीजिए, क्योंकि ऑरेंज कलर में 1.5 रोल वायर चाहिए, ब्लू कलर में 1/2 रोल वायर चाहिए, उसीलिए 3 रोल ले लीजिए। अब इस वायर मेजर करने बाद कट करेंगे। बैग बनाने के लिए पहले ऑरेंज कलर का वायर लेकर इस तरह मेजर कर लीजिए। स्केल में 1 फीट स्केल में इस तरह 10 टाइम्स रैप कर लीजिए। इस तरह रैप करने बाद कट कर लीजिए। सेम इसी तरह 24 वायर्स कट कर लीजिए। एक वायर इस तरह स्केल में मेजर करे बाद उस वायर का मेजर लेकर 23 वायर्स भी कट कर लीजिए। कट करे बाद इस तरह रबर बैंड डालकर रख लीजिए, तभी आपको नॉट बनाने का आसान रहेगा। इसके बाद रिमेनिंग वायर को लेकर 4.5 फीट मेजर कर लीजिए। 4.5 फीट मेजर करे बाद फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करे बाद इसमें देखिए ऊपर का वायर 4.5 फीट है, नीचे का वायर बंडल में जॉइंट हुआ है। इस तरह लेफ्ट हैंड में रख लीजिए। बाद में कट करी हुई 24 वायर पीस में एक वायर पीस लेकर इक्वल फोल्ड करके रख लीजिए। इक्वल रख के बाद इस रनिंग वायर के ऊपर इस तरह रख लीजिए। बाद में रनिंग वायर को लेकर ऊपर रख लीजिए। उसके बाद नीचे का जो वायर उल्टी है उस वायर को लेकर इस लूप के अंदर इंसर्ट कर लीजिए। बाद में इस नॉट को अच्छी तरह पुल करके टाइट कर लीजिए। अब देखिए ऊपर और नीचे का वायर इक्वल है क्या चेक कर लीजिए। इक्वल नहीं रहा तो इस तरह लूज करके एडजस्ट कर लीजिए। अब इस बैग का फर्स्ट नॉट फिनिश हो गया। अब इस नॉट में देखिए इस नॉट का लेफ्ट साइड का वायर 4.5 फीट है, राइट साइड का वायर बंडल में जॉइंट हुआ है। इस तरह रख लीजिए। राइट साइड का वायर में ही नेक्स्ट नॉट्स बनाना है। सारे नॉट्स भी राइट साइड में ही बनाना है। अब इस नॉट का राइट साइड में नेक्स्ट नॉट बनाना है। देखिए पहले रनिंग वायर को इस तरह फोल्ड कर लीजिए। इस तरह फोल्ड करे बाद कट करी हुई वायर पीस में एक वायर पीस लेकर फोल्ड करके रख लीजिए। इक्वल फोल्ड कर लीजिए। बाद में इस रनिंग वायर के ऊपर इस तरह रख लीजिए। बाद में रनिंग वायर को लेकर इस तरह ऊपर रख लीजिए। बाद में नीचे का जो वायर उल्टी है उस वायर को लेकर इस लूप के अंदर इंसर्ट कर लीजिए। बाद में इस नॉट को अच्छी तरह टाइट कर लीजिए। सेम इसी मेथड में सारे वायर्स भी इस तरह रनिंग वायर में ज्वाइन कर लीजिए। राइट साइड में ही ज्वाइन कर लेना है। इस तरह 24 वायर्स भी ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए मैं 24 वायर्स भी ज्वाइन करी हूँ। अब देखिए इस रनिंग वायर को लेकर 4.5 फीट वायर मेजर करे बाद कट कर लीजिए। ये इस बैग का बेस का सेंटर लाइन है। इस तरह सेंटर लाइन आइडेंटिफाई करने के लिए
दोनों साइड भी इस तरह एक नॉट बनाना है। बाद में सेकंड लाइन बनाना है। सेकंड लाइन बनाने के लिए 4.5 फीट वायर मेजर करे बाद इस तरह फोल्ड करके रख लीजिए। बाद में फर्स्ट वायर को लेकर इस वायर के ऊपर रैप कर लीजिए। बाद में फर्स्ट नॉट बनाना है। अब देखिए सेकंड लाइन में मैं फर्स्ट नॉट बनाई हूँ। इसके बाद कंटिन्यूसली नॉट्स बनाते जाना है। सेम इसी मेथड में इस लाइन का सारे नॉट्स भी बनाना है। मैं इस लाइन बनाए बाद बताती हूँ। अब देखिए मैं सेकंड लाइन बनाई हूँ। इस लाइन में 24 नॉट्स है। इस लाइन बनाए बाद रनिंग वायर को 4.5 फीट मेजर करके कट कर लीजिए। सेम इसी मेथड में सारे लाइंस भी बनाना है। ये सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन के ऊपर 6 लाइंस बनाना है, नीचे 5 लाइंस बनाना है। अब ऑलरेडी एक लाइन में बनाई हूँ। उसके बाद सेंटर लाइन के ऊपर 5 लाइंस बनाना है, नीचे 5 लाइंस बनाना है। अब नीचे बनाने का तरीका भी मैं बताती हूँ। अब इस बेस को टर्न करके रख लीजिए। टर्न करे बाद इस तरह 4.5 फीट वायर लेकर फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करे बाद फर्स्ट वायर को लेकर इसके ऊपर रैप कर लीजिए। बाद में यहाँ भी नॉट बनाइए। सेम इसी मेथड में इस लाइन भी बनाना है। लास्ट में 4.5 फीट वायर मेजर करके कट कर लीजिए। सेम इसी तरह 12 लाइंस बनाना है। सेंटर लाइन के ऊपर 6 लाइंस बनाना है, नीचे 5 लाइंस बनाना है। टोटल इस बेस में 12 लाइंस बनाना है। मैं 12 लाइंस भी बनाए बाद बताती हूँ। अब देखिए इस बैग का बेस फिनिश हो गया। इसमें 12 लाइंस है। ये सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन के ऊपर 6 लाइंस है, नीचे 5 लाइंस है। इस बेस का दोनों साइड में भी 4.5 फीट वायर है। इस तरह इस बैग का बेस मैं बनाई हूँ। इस बेस का विड्थ बड़ा है। लंच बैग के लिए ये परफेक्ट रहेगा। इसके बाद ऊपर का पार्ट बनाना है। ऊपर का पार्ट बनाने के लिए मैं ब्लू कलर वायर ली हूँ। ये ब्लू कलर वायर रोल को लेकर बंडल के ऊपर 2 इंचेस कट कर लीजिए। इसके बाद अंदर का वायर लेकर नॉट बनाना है। इस बेस में फर्स्ट वायर का मेजरमेंट लेना है। इस ब्लू वायर को लेकर इस तरह मेजरमेंट लिए बाद फर्स्ट नॉट बनाना है। पहले ब्लू वायर को फोल्ड कर लीजिए। इस तरह मेजर करे बाद फोल्ड करे बाद फर्स्ट वायर को इसके ऊपर रैप कर लीजिए। बाद में यहाँ नॉट बनाइए। सेम इसी मेथड में नेक्स्ट 3 नॉट्स भी बनाइए। टोटल 4 नॉट्स बनाइए। बाद में फोर्थ वायर का मेजरमेंट लेकर इस तरह फोर्थ वायर का मेजरमेंट ब्लू वायर को लेकर ब्लू वायर को कट कर लीजिए। ब्लू वायर में फोर्थ वायर का मेजर लेकर कट कर लीजिए। अब 4 नॉट्स मिक्स नॉट में बनाई हूँ। इसी तरह नेक्स्ट 4 वायर्स में भी नॉट बनाना है। ब्लू वायर लेकर फिफ्थ वायर का मेजरमेंट लेना है। बाद में 4 नॉट्स बनाना है। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एइथ, इस 4 वायर्स में भी नॉट बनाना है। इसके बाद 8th वायर का मेजरमेंट लेकर कट कर लेना है। सेम इसी मेथड में सारे वायर्स में भी नॉट बनाना है। टोटल 18 वायर्स इस तरह ज्वाइन कर लेना है। सेम इस तरह इस लाइन में 6 वायर्स ज्वाइन कर लेना है। नीचे 6 लाइंस ज्वाइन कर लेना है। दोनों साइड में भी 3-3 वायर्स ज्वाइन कर लेना है। टोटल 18 वायर्स ज्वाइन कर लेना है। अब मैं सारे वायर्स भी ज्वाइन करे बाद बताती हूँ। अब देखिए सारे वायर्स भी मैं ज्वाइन करी हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लाइन बनाना है। देखिए 4-4 वायर्स ऑरेंज कलर वायर है। देखिए यहाँ 4 ऑरेंज कलर वायर स्ट्रेट में है। उसमें 2 वायर को लेकर क्रॉस नॉट बनाना है।
इस तरह फर्स्ट वायर को पहले फोल्ड कर लीजिए, बाद में सेकंड वायर को लेकर इसके ऊपर रैप करे बाद इस तरह नॉट बनाइए। सेम इसी मेथड में नेक्स्ट नॉट भी बनाइए। इसके बाद दो वायर ब्लू कलर का वायर एक शेप में मीट हुआ है, इस दोनों वायर्स में भी नॉट बनाना है, यहाँ भी क्रॉस नॉट ही बनाना है। देखिए अब दो नॉट ऑरेंज कलर नॉट मिलेगा, इसके बाद एक ब्लू कलर नॉट मिलेगा। सेम इसी पैटर्न में सारे नॉट्स भी बनाना है। इसके बाद दो ऑरेंज कलर नॉट बनाना है, बाद में एक ब्लू नॉट बनाना है। सेम इस तरह इस लाइन कंप्लीट बनाना है। इस तरह सारे फोर फोर वायर्स को लेकर दो नॉट बनाइए। सेम इस तरह नॉट बनाकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह सेकंड लाइन बनाए बाद मैं बताती हूँ। अब देखिए इस लाइन फुल मैं कंप्लीट करी हूँ। दो नॉट ऑरेंज कलर नॉट मिला है, बाद में एक नॉट ब्लू कलर नॉट मिला है। इसके बाद इस दो नॉट्स के ऊपर एक नॉट बनाना है। इस दो नॉट्स के ऊपर दो ऑरेंज कलर वायर एक शेप में मीट हुआ है, इस दोनों वायर्स में भी नॉट बनाना है। देखिए थ्री नॉट्स ऑरेंज कलर नॉट मिला है। इसके बाद इस नॉट्स का दो साइड में भी ब्लू कलर वायर मिला है, इस ब्लू कलर वायर लेकर इस तरह नॉट बनाना है। दो साइड में भी दो नॉट बनाना है। देखिए इस तरह नॉट बनाना है, यहाँ मिक्स्ड नॉट ही मिला है। लेफ्ट साइड में दो नॉट मैं बनाई हूँ, इसके बाद राइट साइड में भी दो नॉट बनाना है। इस तरह राइट साइड में भी दो नॉट बनाए बाद ऊपर दो ब्लू कलर वायर एक शेप में मीट हुआ है, इस दोनों वायर्स में भी नॉट बनाना है। यहाँ देखिए एक ट्रायंगल शेप मिला है। सेम इसी तरह सारे नॉट्स में भी बनाना है। टोटल 18 ट्रायंगल्स इस बैग में मिलेगा। इस तरह 18 ट्रायंगल्स भी बनाइए। 18 ट्रायंगल्स भी बनाए बाद आमला नॉट बनाना है। देखिए अब दो ट्रायंगल्स में बनाई हूँ। इस तरह ट्रायंगल्स बनाने का तरीका बहुत आसान है, उसी लिए मैं स्पीड करके बताती हूँ। ये बनाने में आपका कुछ डाउट रहा तो जरूर कमेंट कीजिए। इसके बाद कॉर्नर भी बनाना है। कॉर्नर भी सेम मेथड में बनाना है। पहले दो नॉट्स बनाए बाद ऊपर एक ऑरेंज कलर नॉट बनाना है। इसके बाद इस दो साइड में भी दो दो नॉट ब्लू कलर वायर में बनाना है। लास्ट में ऊपर एक ब्लू कलर नॉट बनाना है। देखिए यहाँ भी एक ट्रायंगल मिला है। इस तरह इस लाइन को कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट लाइन बनाने का तरीका मैं बताती हूँ। अब यहाँ देखिए एक वी शेप मिला है, दो ट्रायंगल का बीच में एक वी शेप मिला है। इसमें ऑरेंज कलर वायर फोर है, लेफ्ट साइड में दो वायर है, राइट साइड में दो वायर है। चार वायर्स को ज्वाइन करके नॉट बनाना है। फर्स्ट लेफ्ट साइड का वायर का फर्स्ट वायर का लेकर फोल्ड कर लेना है। ऊपर का वायर को लेकर इस तरह फोल्ड कर लेना है, बाद में नीचे का वायर को उसके ऊपर रैप कर लेना है। टाइट नहीं बनाना है, इस तरह लूज बनाना है। इसके बाद राइट साइड का वायर में नीचे का वायर को लेकर इस तरह रैप कर लेना है। अब तीन लूप मिला है, बाद में फोर्थ वायर को लेकर
इस तरह रैप कर लेना है। इस वायर को टाइट रैप कर लेना है। देखिए इस तरह चार वायर्स को भी थंब फिंगर में गेट पकड़ लेना है। इस तरह पकड़े बाद फर्स्ट वायर को लेकर इस तरह ऊपर रख लेना है। बाद में सेकंड वायर को लेकर फर्स्ट लूप के अंदर इंसर्ट कर लेना है। बाद में थर्ड वायर को लेकर फर्स्ट और सेकंड लूप के अंदर इंसर्ट कीजिए। फोर्थ वायर को लेकर तीन लूप के अंदर इंसर्ट कर लेना है। इस तरह फोर वायर्स को भी पुल करके टाइट कर लीजिए। ज्यादा नहीं पुल कर लेना है। इस तरह वायर्स को सीधा करे बाद पुल कर लीजिए। अब बिग साइज आमला नट मिला है। अब नेक्स्ट आमला नट बनाने का तरीका भी मैं बताती हूँ। यहाँ भी देखिए वी शेप मिला है। इसमें लेफ्ट साइड में दो वायर भी राइट साइड में दो वायर भी मिला है। पहले फर्स्ट वायर को इस तरह फोल्ड कर लीजिए। बाद में सेकंड वायर को लेकर इसके ऊपर इस तरह रख लीजिए। बाद में थर्ड वायर को लेकर उसमें भी इस तरह लूप बनाइए। देखिए इस तरह बनाए बाद फोर्थ वायर को लेकर इस तरह टाइट रैप कर लीजिए। यहाँ चार वायर्स मिला है। फर्स्ट वायर को लेकर ऐसा रख लीजिए। बाद में सेकंड वायर को लेकर फर्स्ट लूप के अंदर इंसर्ट कीजिए। इसके बाद सेकंड वायर को लेकर फर्स्ट लूप और सेकंड लूप के अंदर इंसर्ट कीजिए। बाद में फोर्थ वायर को लेकर तीनों लूप के अंदर इंसर्ट कीजिए। इसके बाद चार वायर्स को भी पुल करे बाद नॉट बनाइए। आपको इस तरह बिग साइज आमला नट बनाने का तरीका डिफिकल्ट रहा तो बिस्किट नट भी आप बना सकते हैं। बिस्किट नट बनाने का तरीका मैं ऑलरेडी अपलोड करी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। सेम इसी मेथड में सारे वी शेप में भी बिग साइज आमला नट बनाना है। इसके बाद इस नॉट के ऊपर ब्लू कलर वायर में नॉट बनाना है। देखिए इस नॉट का लेफ्ट साइड में ब्लू कलर वायर है। इस वायर को लेकर इस तरह क्रॉस नॉट बनाना है। नॉर्मल क्रॉस नॉट ही बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट नॉट भी क्रॉस नॉट बनाना है। सेम इसी तरह राइट साइड में भी दो नॉट बनाना है। राइट साइड का ब्लू वायर को लेकर राइट साइड में भी दो नॉट बनाना है। ये दो नॉट भी मिक्स्ड नॉट मिलेगा। ऑरेंज कलर और ब्लू कलर दो भी मिक्स्ड होकर मिक्स्ड नॉट मिलेगा। इस तरह दो नॉट बनाए बाद ऊपर दो ब्लू कलर वायर एक शेप में मीट हुआ है। इस एक शेप में नॉट बनाना है। अब बिग साइज आमला नॉट का डायमंड डिजाइन मिला है। सेम इसी मेथड में सारे डायमंड डिजाइन भी कंप्लीट कर लेना है। इस तरह डिजाइन बहुत आसान है। टोटल 10 डायमंड डिजाइन बनाना है। क्रॉस में काउंट करें तो 10 डायमंड्स बनाना है। इस तरह 10 डायमंड्स बनाए बाद 3 लाइंस क्रॉस नॉट बनाना है। तब ही अंदर फोल्ड करके इंसर्ट करने का आसान रहेगा।
सेम इसी मेथड में इस बैग कंप्लीट करे बाद मैं बताती हूँ। अब इस बैग में बनाई हूँ, इसमें 10 डायमंड डिजाइन में बनाई हूँ। इसके बाद 3 लाइंस सिर्फ क्रॉस नॉट में बनाई हूँ। इसके बाद वायर को अंदर इंसर्ट कर लेना है, एक्स्ट्रा वायर को अंदर इंसर्ट कर लेना है। देखिए एक एक नॉट में 2 वायर है, राइट साइड एक वायर है, लेफ्ट साइड एक वायर है। राइट साइड का वायर को लेकर 3rd नॉट के अंदर इंसर्ट कर लेना है, राइट साइड में ही इंसर्ट कर लेना है। इसके बाद लेफ्ट साइड का वायर को लेकर लेफ्ट साइड में क्रॉस में काउंट करें तो 3rd नॉट में इंसर्ट कर लेना है। इस तरह 2 वायर्स भी इंसर्ट कर लेना है। वायर का लेंथ कितना है सारे वायर्स भी अंदर इंसर्ट कर लेना है, तभी बैग स्ट्रांग रहेगा। देखिए इस मेथड में सारे वायर्स भी अंदर इंसर्ट कीजिए, तभी बैग का फिनिशिंग परफेक्ट मिलेगा। ऊपर का एक लाइन अंदर फोल्ड होकर फिनिशिंग परफेक्ट मिलेगा, उसी लिए इस मेथड फॉलो कीजिए। मैं सारे वायर्स भी अंदर इंसर्ट करे बाद बताती हूँ। अब देखिए इस बैग फिनिश हो गया। इस बैग को डबल कलर में इस तरह स्पाइरल हैंडल में बनाई हूँ। इस तरह स्पाइरल हैंडल बनाने का इजी मेथड मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ, ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो में आपको कुछ डाउट रहा तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो आपको यूजफुल रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।